मेरी चौखट पर चलकर आज चार धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। पूरे देश में कुछ इस तरह के संगीतों के साथ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का इंतजार हो रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में गजब का उत्साह है। देश की कई बड़ी हस्तियां इस समारोह में शामिल होंगी। क्रिकेट जगत के कई बड़े सितारों को भी समारोह का निमंत्रण मिला है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, भारत को 3 ICC ट्रॉफी जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी और भारत के दिग्गज स्पिनर रहे हरभजन सिंह को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रण दिया गया है। हालांकि इनमें से कौन कौन अयोध्या जाएगा अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सचिन और कोहली अयोध्या जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अब तक करीब 6000 विशिष्ट लोगों को आमंत्रित किया जा चुका है। इसमें क्रिकेटर्स के अलावा फिल्म जगत की हस्तियां और मशहूर कारोबारी शामिल है। वहीं समारोह के मुख्य अतिथि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की रस्में आज से शुरू हो जाएंगी। इस भव्य समारोह के लिए पूरे देश को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। इस समारोह में 150 देशों के राम भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है। 21 जनवरी और 22 जनवरी को मंदिर भक्तों के लिए बंद रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी को ये मंदिर रामलला के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। राम मंदिर अपडेट्स को लेकर देखते रहिए ABP लाइव।